जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो भारत और साउथ अफ्रीका टीम के बीच में वनडे टी20 और टेस्ट सीरीज खेली जाने वाली है उसके लिए बीसीसीआई ने क्या बड़ा ऐलान किया और अब आप सभी को कब से ये मुकाबले लाइव खेले जाते हुए दिखाई देंगे और क्या भारतीय टीम आप सभी को दिखाई देने वाली है, तो पूरी डिटेल जानकारी इस दौरे से जुड़ी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि आईपीएल 2022 में शिखर धवन को दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने नहीं किया रिटेन, तो धवन ने किया एक ऐसा बड़ा फैसला कि जानने के बाद बौखलाया। तो दोस्तों आखिरकार शिखर धवन ने क्या ही ऐलान किया उसके बारे में बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी, मुंबई इंडियंस की टीम के लिए आई बड़ी खुशखबरी, इस खिलाड़ी का अब मिलेगा टीम को साथ, जानने के बाद मुंबई इंडियंस के फैंस हो जाएंगे खुश। तो दोस्तों आप भी इस खबर को जरूर जानिएगा। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीते तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को बताएं कि भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका का दौरा करना है, हालांकि इस दौरे से पहले इस महामारी के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद कई देशों ने वहां की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया और इससे क्रिकेट पर काफी ज्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई दिया। दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने जिम्बाब्वे में होने वाले महिला विश्व कप क्वालिफायर 2021 को भी रद्द कर दिया था और वहीं इसके बाद जिम्बाब्वे में ठहरी श्रीलंकाई टीम की 6 खिलाड़ी इस महामारी से संक्रमित पाई। हालांकि दोस्तों बीसीसीआई ने इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया है और अब ऐसा बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया जिसे जानने के बाद पूरा देश खुश हो चुका है। जी हां दोस्तों हम आपको बताएं कि इन घटनाओं के बाद भारतीय ए टीम के दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भी खतरा मंडरा रहा था, लेकिन बीसीसीआई ने इस टूर को जारी कर रखने का फैसला किया और इसके लिए दक्षिण अफ्रीका ने बीसीसीआई को धन्यवाद कहा। और यही नहीं, अब भारतीय टीम और दक्षिण अफ्रीका टीम के बीच में जो 3 मैचों की टेस्ट सीरीज, 3 मैचों की ओडीआई और टी20 सीरीज होने वाली है उसके लिए भी बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली का बड़ा बयान सामने आया, जहाँ पर सौरव गांगुली ने मंगलवार को कहा कि फिलहाल साउथ अफ्रीका दौरे पर हम निगाहें बनाए हुए हैं, हमने जो समय तय कर दिया है उसी के अनुसार भारतीय टीम साउथ अफ्रीका जाएगी और वहाँ पर जाकर मुकाबलों को खेलेगी। और वहीं दोस्तों आगे सौरव गांगुली ने बात करते हुए कहा कि इन मुकाबलों को हम जल्द से जल्द कराने का भी फैसला लेने के विचार कर रहे हैं, यहाँ तक कि रीशेड्यूल भी इस मुकाबले को हम कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि सौरव गांगुली के इस बयान के बाद अब अटकल ही ये लगाई जा रही है कि आखिरकार ये मुकाबले आप सभी को कब लाइव आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों खैर अगर हम बात करें इस दौरे की, तो इस दौरे का पहला ये दौरा आप सभी को टेस्ट सीरीज से शुरू होता हुआ दिखाई देगा, जहां पर पहले 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी और इस टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका टीम और भारतीय टीम आमने सामने भिड़ेगी, जहां पर भारतीय टीम 17 दिसंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। तो वही बात करें अगर ओडीआई सीरीज की, तो ओडीआई सीरीज इस दौरे पर 11 जनवरी को खेली जाएगी, जहां पर 11 जनवरी को आप सभी को पहला मुकाबला खेला जाता हुआ नजर आएगा। बाकी दोस्तों आप सभी यहां पर पूरा शेड्यूल भी देख सकते हो और हालांकि अब बीसीसीआई के ऐलान के बाद तो यही लगता है कि ये दौरा अब आप सभी को होता हुआ दिखाई देगा और अगर इस दौरे पर कुछ भी कमी आती है तो इस दौरे को जल्द से जल्द कराने का फैसला भी बीसीसीआई ले सकती है। हालांकि इसी बीच हम आपको ये भी बता दें कि ओडीआई और टी20 की कप्तानी इस बार रोहित शर्मा आप सभी को संभालते हुए नजर आने वाले हैं और टेस्ट टीम की कप्तानी विराट कोहली के हाथों में ही थमाई जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों ये काफी बड़ा फैसला है। बाकी अब आपकी क्या राय है भारतीय टीम के बारे में और आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका दौरे पर भारतीय टीम जीत हासिल कर पाने में कामयाब होगी या फिर नहीं, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, दिल्ली कैपिटल्स से रिटेन हुए खिलाड़ियों ने जाहिर की खुशी। जी हां दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी अक्षर पटेल, पृथ्वी शॉ और एनरिक नॉर्किया ने अगले साल होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग की मेगा नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी द्वारा रिटेन किए जाने की खुशी जताई है। दरअसल JSW GMR के सह स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी ने मंगलवार को बताया था कि वे बाएं हाथ के स्पिनर ऑलराउंडर अक्षर पटेल, सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्किया के साथ साथ विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को 2022 आईपीएल सीजन के लिए बरकरार रख रहे हैं, जिसके ऊपर अक्षर पटेल ने कहा, दिल्ली कैपिटल्स के साथ मेरा सफर बहुत ज्यादा खास रहा है, मुझ पर इतना भरोसा और विश्वास दिखाने के लिए मैं डीसी परिवार को धन्यवाद देता हूँ, मैं आगामी सीजन में खेलने को लेकर बेहद ही उत्साहित हूँ। तो दोस्तों बाकी आप सब यहाँ पर सबकी प्रतिक्रिया देख सकते हो और अब आपकी क्या राय इनके बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात
बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच मुंबई में खेला जाएगा, जहां पर पहला टेस्ट मुकाबला ड्रॉ पर छूटा था। तो वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में कोच राहुल द्रविड़ को यही उम्मीद होगी कि दूसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम किसी भी हाल में जीते, क्योंकि अभी अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय टीम का प्रदर्शन उतना भी ज्यादा कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा है जितने की हर किसी को उम्मीद थी। और ऐसे में दोस्तों अब भारतीय टीम के लिए जीतें काफी ज्यादा जरूरी होती चली जा रही है दिन प्रतिदिन। और क्योंकि अभी भारतीय टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में लगातार ये दूसरा टेस्ट मुकाबला ड्रॉ कराए, जहां पर ड्रॉ करने पर भारतीय टीम का काफी तगड़ा नुकसान हो गया। और ऐसे में दोस्तों अब दूसरे टेस्ट मुकाबले पर भारतीय टीम की निगाहें होंगी आ रहे हैं। तो वहीं दोस्तों अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा का पिछले 12 महीनों में खराब प्रदर्शन रहा है, दोनों की ही जगह सवालों के घेरे में है। लेकिन रहाणे टीम के उपकप्तान है जबकि राहुल द्रविड़ को चेतेश्वर पुजारा की क्षमता पर बहुत भरोसा है। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें यदि अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा टीम में शामिल होंगे तो राहुल द्रविड़ और विराट कोहली को ओपनिंग के लिए कड़े फैसले करने होंगे, जहां पर मयंक अग्रवाल ने पहले टेस्ट मुकाबले में 13 और 17 रन की पारी खेली जिसके कारण वह टीम से बाहर होने वाले खिलाड़ी बनेंगे। तो वहीं विराट कोहली के आने से टीम में बड़ा बदलाव होगा, जहां पर मयंक अग्रवाल के खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें बाहर होना पड़ेगा। तो वहीं सुरेश अय्यर ने डेब्यू मैच में शानदार प्रदर्शन किया और उनकी प्लेइंग 11 टीम में नंबर 4 पर जगह की हो चुकी है, लेकिन मयंक अग्रवाल के बाहर होने से ओपनिंग की जगह खाली हो जाएगी। तो ये लेकिन भारतीय टीम के लिए आज तक वो ओपनिंग करते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। हालांकि अगर ऐसा कुछ निर्णय लिया जाता है तो भारतीय टीम की तरफ से आप सभी को ओपनिंग रिद्धिमान शाह ही करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि दोस्तों इस प्लेइंग 11 टीम को लेकर काफी ज्यादा अटकलें अभी भी जारी हैं, लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें अगर इस मुकाबले में मयंक अग्रवाल खेलते हैं तो शायद प्लेइंग 11 टीम थोड़ी साफ होती हुई भी नजर आ जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है डी जॉर्जी 2 रन बनाकर आउट हुए, जैसा कि आप सभी यहां पर देख सकते हो। और चिनेथेम्बा कोशाइल आज के इस मुकाबले में 102 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुए और उनको बाबा अपराजीत ने ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाया और यहां पर भारतीय टीम को छठी सफलता कोशाइल के ही रूप में मिली। तो वहीं आज के इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करने वाले रहे जॉर्ज लिंडे, जहां पर जॉर्ज लिंडे ने आज के इस मुकाबले में 63 गेंदों का सामना करते हुए 44 रन की पारी खेली। हालांकि दोस्तों दिन का खेल खत्म होते होते साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से अभी भी बल्लेबाजी मार्को जेनसन कर रहे हैं और लूथो तिमापला 5 गेंदों में 1 रन बनाकर नवाद टिके हुए हैं और मार्को जेनसन ने 62 गेंदों में 38 रनों की पारी खेली। ओवर में 4 मेडन ओवर डालते हुए 54 रन देकर 2 बड़ी सफलताएं हासिल की। तो वहीं ईशान पोरेल को भी 2 बड़ी सफलताएं हाथ लगी, जहां पर ईशान पोरेल ने 14.3 ओवर फेंकते हुए 26 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। हालांकि यहां पर अरजान नागसवाला को 1 विकेट मिला और सौरभ कुमार को 1 विकेट और बाबा अपराजीत को भी 1 विकेट हाथ लगा। तो उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।